Hello everyone, welcome back to our YouTube channel High Tech Car Solution. दोस्तों जैसे आपको पता ही है हम गाड़ियों के बारे में नए नए फॉर्ड के बारे में अपडेट डालते रहते हैं, तो आज हमने थोड़ा सा नया इन्वेंशन करा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इन्वेंशन करा है, किस चीज़ को लेकर हमने इन्वेंशन करा है। दोस्तों कैन बोस का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या होता है कैन बॉक्स, किसलिए यूज होता है। आज हमने अपना खुद का कैन बॉक्स बनाया है, बाकी आपने फील्ड में देखे होंगे, सारे कैन बॉक्स देखे होंगे, बहुत सारे अलग अलग देखे होंगे, किसी में कुछ अपडेट रहता है, किसी में कुछ अपडेट रहता है। हमने भी एक थोड़ा सा अपडेट करा है जो हमने कैन बॉक्स बनाया है हमने का, और उसका हमने कनेक्शन भी जो वायरिंग डायग्राम होता है अपना ईसीएम वाले, वो वायरिंग डायग्राम भी और ये कनेक्शन भी हम अपने हिसाब से अपने आप ही बनाए हैं। और कैन बॉक्स से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। कैन बॉक्स छोटी चीज़ होती है जो बिना हम किसी गाड़ी पे ईसीएम लगाए ऑन टेबल हम ईसीएम को स्कैन कर सकते हैं। जो मेन चीज़ होती है जैसे इंजेक्टर हो गया और अपने छोटे छोटे जो मेन गाड़ी में चीज़ होती है सेंसर छोड़ के, वो उसके स्कैन करके बता देता है चेक लाइट में डीले वगैरह ईसीएम में ओके है नहीं। तो हम आपको दिखा देते हैं, चलो हमने कैसे बनाएंगे आप दिखाइए वीडियो। ये अपना हमारे पास i20 का ईसीएम है, i20 पेट्रोल का, और इसमें हमने यहाँ पे कनेक्ट करा है इसके 25 पिन कनेक्टर से। यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हमने करा है इसको कनेक्टिंग इसकी वायरिंग, और ये यहाँ पे अपना हम स्कैनर लगा रखा है हमने, इसको हम स्कैन करेंगे और हम फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारी जो ये थोड़ा दिखाइए, ये हमारी जो ये अपनी कुछ लाइट्स हैं, ये पावर की है, ये इग्निशन की है, मेन डीले की है, इमो की है, ग्लो प्लग की है एंड चेक लाइट की है। तो ये हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी लाइट इसमें आएंगी, कौन कौन सी लाइट हम इसमें आपको दिखाएंगे आएंगी या नहीं आएंगी। इसमें आपको तो आपको इतना तो पता ही होगा इग्निशन की लाइट तो नहीं आएगी, एक्चुअली चेक लाइट और ग्लो प्लग के कनेक्शन हमने अभी दिए नहीं है, वो हम देंगे बाद में, उसका नेक्स्ट आपको अपडेशन डालेंगे। बाकी हम आपको मेन डीले और पावर और इग्निशन का दिखा देते हैं, एक ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं। ये हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई दे दी हमने, और यहाँ पे हमारा स्कैनर भी ऑन हो गया, और यहाँ पे एक बार यह दिखाइए हमने इसका स्विच यहाँ लगाया है, तो आप यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, लाइए मैं पकड़ लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारी पावर भी ऑन हो गई, इग्निशन भी ऑन हो गया और हमारी मेन डीले भी हो गई। यहाँ पे हमने स्कैनर रखा हुआ है, हमारा स्कैनर भी ऑन हो गया, देखिए लाइटें आ गई 6 की 6। तो हम आपको अभी स्कैन करके दिखाते हैं कैसे इस गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं, तो आप देखिए अभी ये यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉन्च का स्कैनर है, इसमें हम लोकल में जाएंगे, एशियन में जाएंगे, ये हमारे पास i20 का है, तो यहाँ पे हम i20 में जाके इसको स्कैन कर, i20 का है तो इसको हुंडई में जाके हम इसको स्कैन करेंगे। नहीं i20 छोड़ो, एक सेकंड में ही कर लेते हैं, या चेक करो i20 में। तो हम आपको दिखा देते हैं, हम एक्चुअली इसमें अलग अलग नाम से रहते हैं, हम आपको पहले i20 में ही एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो रहा है तो, बाकी हम दूसरी जगह भी हम आपको बताएंगे ये होगा या नहीं होगा। ये हमारे पास 11 मॉडल गाड़ी का ईसीएम है, 1.6 एमपीआई है, हेल्थ रिपोर्ट, इसी सिस्टम ही पूरा स्कैन कर दे रहा है। तो दोस्तों बेसिकली हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था, अगर आप किसी भी भाई को ये कैन बॉक्स की जरूरत हो, कैन बॉक्स चाहिए, तो हम आपको कम से कम रेट में आपको कैन बॉक्स अवेलेबल कर देंगे विद वायरिंग डायग्राम, जो अपने ईसीएम वाले डायग्राम होते हैं हम वो भी हम आपके खुद को अपने अवेलेबल करेंगे। तो आपको पता ही होगा मार्केट में कितना रेट है कैन बॉक्स का, कोई 1.5 लाख का देता है, कोई 80,000 का दे रहा है, कोई 50,000 का दे रहा है, तो हम मिनिमम से मिनिमम हमने इसके रेट रखे हुए हैं। तो अगर आप किसी भाई को भी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और प्लस ही हम आपको दो नए नए कई सारे ग्रुप में भी ऐड करेंगे और आपको हम बैकअप भी देंगे। तो दोस्तों ये देखिए अपना ये सारे जो सेंसर्स के रहते हैं इनके कोड आ रहे हैं, ये देखिए
यानी कि हमारा ये कैन बॉक्स ओके है, ईसीएम हमारा स्कैन हो गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर कैन बॉक्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम लिख सकते हैं और उसके आगे कैन बॉक्स लिख सकते हैं।